नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दमोह शहर के जबलपुर नाका पर संचालित एक शराब दुकान का अतिक्रमण शुक्रवार सुबह प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। राजस्व विभाग के अधिकारियों के सामने जेसीबी की मदद से शराब दुकान का एक हिस्सा ढा दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर की रहने वाली पूजा लक्ष्यकार का एमपीपीएससी में चयन हुआ है। पूजा ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा परिणाम में डीएसपी पद पर 8वीं रैंक हासिल की थी। ये उपलब्धि दर्ज कर पूजा ने अपने परिवार के साथ जिले का नाम भी रोशन किया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीहोर जिले के बुधनी तहसील के सलकनपुर रोड पर बस और बाइक के बीच सीधी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार चालक और कंडक्टर की तलाश की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सूरज से आग झड़ती गर्मी के एहसास ने शहर को बेचैन कर दिया है। पहली बार शहर में गर्मी के ऐसे तेवर देखे गए हैं, जिससे राहत पाने के लिए तकरीबन हजारों एयर कंडीशनर्स को लोगों ने भरपूर उपयोग किया है। 10 से 15 घंटे तक एयर कंडीशनर का उपयोग होने से बिजली की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। बिजली की रिकॉर्ड मांग में 20% इजाफा मई के महीने में उज्जैन शहर में दर्ज किया गया। एक महीने में बिजली के उपभोक्ताओं ने 5.50 करोड़ यूनिट बिजली का उपयोग किया, जो पिछली साल की तुलना में 1 करोड़ यूनिट ज्यादा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है और टीवी अस्पताल में पदस्थ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को अपने साथ लेके गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने बच्ची के चिल्लाने रोने की आवाज सुनी तो वो दौड़कर मौके पर पहुंची और आरोपी से बच्ची को छुड़ाया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।